क्वेश्चन है कि YDSC एक्सपेरिमेंट है, ये आपके सामने एक्सपेरिमेंट है। मैं क्वेश्चन सीधा समझाता हूँ। इसके अंदर पीछे से लाइट आ रही है, दो स्लिट्स हैं, YDSC की प्रॉब्लम है ये, और दो स्लिट्स हैं और लाइट सेंटर पे जाके मिल रही है, सही है, सेंटर जाके मिल रही है, सही है। अब किसी ने क्या किया, यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, वैक्यूम होता है, म्यू इज इक्वल टू वन एयर होता है, वो कह रहे नहीं एयर नहीं है, जो पीछे से लाइट आ रही है उसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, हो सकता है पानी हो सकता है ना हो, पता नहीं क्या चीज़ है, डेंसर मीडियम कर दिया किसी ने, पॉइंट नंबर वन क्लियर। अब हमें क्या आदत है कि मीडियम क्या लेना है, एयर, उसने क्या ले लिया, N1, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आगे, जब ये लाइट स्लिट्स को पार कर जाती है, यहां पर भी एयर नहीं है, यहां पर भी एक नया ही मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, जैसे पानी पानी भर दिया, पूरा भर दिया। फिर तीसरा क्या किया, ऊपर की जो लाइट है ना उसमें ग्लास स्लैब को इंसर्ट कर दिया जिसकी थिकनेस है T और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N3। अब ये तो बड़ी गड़बड़ कर दी, मतलब यहां तो एयर नहीं संभल रही अकेली, ग्लास स्लैब संभालनी एक और है, ऊपर से वो कह रहे आगे और पीछे की मीडियम भी चेंज है। कोई मुश्किल नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट है जो अपने दिमाग में लगाना है, राइट। देखो क्या करना है आपने, इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले यहां पर, यहां से स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है कि यहां पर जो पाथ डिफरेंस है यहां से यहां तक जीरो रहेगा, क्योंकि लाइट पैरेलल आ रही है, कोई ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करेगी, कोई कम डिस्टेंस कवर नहीं करेगी, पॉइंट नंबर वन। दूसरा पॉइंट, मुझे निकालना क्या है, मुझे इस क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी है, इंटेंसिटी रिजल्टेंट यहां पर क्या होगी। अगर ये मीडियम ना होते, ग्लास स्लैब ना होती, तो आंसर पता है क्या आता, 4I0, पता ही था 4I0 cos square 5/2 में 5 तो 0 ही था, फेज डिफरेंस तो 0 ही था, cos 0 1 है, तो आंसर 4I0 आता। पर मीडियम चेंज हो गए तो लाइट ने पाथ डिफरेंस को क्रिएट कर लिया, जिस वजह से आंसर 4I0 नहीं आएगा। हाँ, फॉर्मूला लगेगा 4I0 cos square 5/2। तो मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, यहां से यहां और यहां से यहां का पाथ डिफरेंस। अगर मैं पाथ डिफरेंस बता दूं तो आप वहां से क्या निकाल सकते हो, उसका फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस फाइव को आप cos square 5/2 में पुट लेना, आंसर आ जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब दूसरा पॉइंट, रूल नंबर वन, कहानी यहां से स्टार्ट हुई थी, लाइट तो N1 से आ रही है मीडियम से। अब N1 में लाइट की जो वेवलेंथ क्वेश्चन में गिवन है वो 400 नैनोमीटर गिवन है, पर प्रॉब्लम ये है कि जो वेवलेंथ है ये किस में गिवन है, N1 में गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमें आदत है एयर में काम करने की, तो पहला रूल नंबर वन, हम मीडियम को इक्वलाइज करेंगे, सारे मीडियम को इक्वल एंड टू एयर करेंगे ऑप्टिकल पाथ। तो हम क्या करेंगे, जो भी वेवलेंथ मीडियम में है उसको रिस्पेक्टिव N1 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वेवलेंथ का, वो इक्वलेंट वेवलेंथ किस में मानी जाएगी, एयर में। क्या ये पॉइंट क्लियर है। मैं यही कह रहा था नीट में कि अगर वेवलेंथ लैम्डा गिवन है और अगर मीडियम N2 है तो वेवलेंथ लैम्डा नहीं ले सकते 400 नैनोमीटर, N1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर वन, क्योंकि मीडियम N1 है, वेवलेंथ लैम्डा N1 में गिवन है, तो आप इसमें एयर में कन्वर्ट करेंगे कैसे, ऑप्टिकल पाथ, 400 को 1.2 से मल्टीप्लाई करके, क्लियर है। दूसरा रूल समझो, अभी इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, आपको पाथ डिफरेंस निकालना है, पाथ डिफरेंस निकालना है इसका और इसका। ये जो डिस्टेंस है S2O, जो भी ये डिस्टेंस है, मान लो S है, मान लो डिस्टेंस S है, तो अगर ये डिस्टेंस सपोज यहां से यहां तक S है सपोज, पर प्रॉब्लम ये है कि ये डिस्टेंस किस मीडियम में ट्रेवल किया गया, N2, हमें आदत किस में काम करने की, एयर, तो ये डिस्टेंस क्या लिखा जाएगा, N2 into S, तो एयर इक्विवेलेंट तो बनाना ही पड़ेगा, सब कुछ एयर में कन्वर्जन करनी पड़ेगी, तो एयर में ये पास ट्रेवल कितना लेना पड़ेगा इसमें, N2 into S, कोई डाउट इसमें। तीसरा, अब ये इंपॉर्टेंट है, और भी इंपॉर्टेंट है, वो क्या, अब पाथ डिफरेंस निकालना चाहती हो तो ऊपर का पाथ माइनस नीचे का पाथ, नीचे का पाथ तो N2S है, ऊपर का पाथ क्या है, ऊपर के पाथ में देखो क्या करना है, टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक तो S ही है, S में से बीच का ये वाला डिस्टेंस कितना है, T, और T जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस ग्लास का वो 1.5 गिवन है,
अब ग्लास में जब लाइट एंटर करेगी तो ऑप्टिकल पाथ कितना होगा? ऑप्टिकल पाथ होगा 1.5 इंटू टी। जो ग्लास में लाइट ट्रेवल करेगी, ग्लास की थिकनेस अगर टी है तो ऑप्टिकल पाथ एयर इक्वलेंट क्या होगा? 1.5 टी। अब अगर ये टी है और टोटल एस है तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना है? एस माइनस टी। हवा में डिस्टेंस, ये इस एन टू मीडियम में एस माइनस टी को किससे मल्टीप्लाई करना है? एन टू। तो एन टू इंटू एस माइनस टी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो जो ऊपर का पाथ ट्रेवल्ड माना जाएगा वो पता है क्या माना जाएगा? एन टू इंटू एस माइनस टी प्लस टी इंटू 1.5। तो यहाँ का पाथ, यहाँ पे जो पाथ ट्रेवल हुआ ऑप्टिकल पाथ और बचा हुआ ऑप्टिकल पाथ, ये दोनों का क्या माना जाएगा? सम। क्या ये पॉइंट क्लियर है? एक बार ऑप्टिकल पाथ ग्लास में निकाल लिया और बचे हुए डिस्टेंस एस माइनस टी का भी निकाल लिया, तो ऊपर का ऑप्टिकल पाथ और नीचे का तुम निकाल ही चुके हैं, कितना? एन टू एस। बस यही इसमें कॉन्सेप्ट है। तो ये पाथ डिफरेंस आ गया ऊपर नीचे का, सारी वैल्यूज गिवन है, डेल्टा एक्स आ गया, डेल्टा एक्स से क्या आएगा? फाई आ जाएगा, फाई आ गया तो इंटेंसिटी आ जाएगी, काम खत्म।